Ladies and gentlemen, it's time to welcome the team from India's capital. Please welcome Dabang Delhi. देश का दिल दिल्ली और दिल्ली से आए दबंगों की कहानी भी जुदा नहीं है. पहले पांच सीजन प्लेऑफ पर टकटकी लगाए बैठी इस टीम की किस्मत भी छठे सीजन से ही बदली. दिल्ली के शगुन के तौर पर आए एक निश्चल से युवा रेडर ने जैसे इस टीम में एक नई जान फूंक दी. नवीन एक्सप्रेस के सफर की शुरुआत जिस गति के साथ हुई थी, हर बीतते पड़ाव के साथ वो गति लगातार बढ़ती जा रही है. कप्तान के तौर पर नवीन के साथ दो बेजोड़ कॉर्नर्स हैं और बेहतर सपोर्ट रेडर्स भी. पूर्व चैंपियन दिल्ली क्या इस खिताब का प्रबल दावेदार होगा? ड्रीम 11 स्टार्टिंग 7 पर निगाहें दौड़ा लेते हैं. नवीन कुमार पर सब कुछ दारोमदार है. वो जैसे चलेंगे टीम की राह वैसी होगी. हिम्मत अंतिल बिल्कुल युवा खिलाड़ी है, एक शानदार डिफेंडर, जूनियर नेशनल से आए हुए हैं और पहला मुकाबला आज खेलने वाले हैं. आशु मलिक के साथ मीतू शर्मा हैं, जो कि मीतू इस समय दिल्ली में शामिल हुए हैं सीजन से, और दो सॉलिड डिफेंडर विशाल भारद्वाज और योगेश. आपके पास मौका है अपनी टीम तैयार करने का. Get ready for Ashan ka Tashan. Here come Narendra Ambattamme, the Livers. लाइवास का शुमार उन चंद टीमों में है जिन्हें अब तक खिताब का नसीब नहीं मिला है. किस्मत देखिए, पिछले 20 सीजन कोच अशन कुमार टीम के साथ जुड़े और पहली बार तलाईबाज लीग में पांचवी पायदान तक पहुंच गए. इस टीम की क्षमता को कमतर नहीं माना जा सकता. आखिर यही एक टीम है जिसमें सागर तो है ही, साथ ही साहिल भी है. युवा नरेंद्र कंडोला पर बड़ा दारोमदार है. कहते हैं जो मौके का इस्तेमाल करता है वही सिकंदर होता है. पिछले सीजन पहले मैच में पवन जख्मी हुए, नरेंद्र कंडोला को मौका मिला और ड्रीम 11 स्टार्टिंग 7 में टॉप पर मौजूद हैं नरेंद्र कंडोला. पूरी टीम इनके इर्द गिर्द घूमने वाली है. देखना होगा आज नरेंद्र किस तरह से चलते हैं. एम अभिषेक और मोहित, इन दोनों कवर्स को पिछले सीजन की तुलना में बेहतर करना होगा. अजिंक्य पवार और हिमांशु दो शानदार सपोर्ट रेडर्स हैं, अपनी क्षमता और बढ़ानी होगी. और सागर एक तरफ और साहिल गुड़िया दूसरी तरफ. अपनी टीम बनाइए, एक अच्छा मौका है आपके पास. आज तीसरा मैच और दबंग दिल्ली ने टॉस जीता. पहली रेड करेंगे तमिल तलाईवास. लाइन ड्रोन गेम ऑन. खेल कबड्डी, तैयार हो जाइए. ये बड़ा मुकाबला है और इस बड़े मुकाबले को देखने के लिए तमाम दर्शक मौजूद. गणमान्य जो अतिथि हैं वो भी मौजूद. तमिल तलाईवास वर्सेस दबंग दिल्ली, सीजन 10 का ये तीसरा मुकाबला. नरेंद्र कंडोला आए हैं पहली रेड पर और ये उठता हुआ शोर आपको इस बात का इशारा कर रहा है कि लोग किस कदर इस खेल के अंदर जुड़े हुए हैं. 10.6 एवरेज है नरेंद्र कंडोला का. लॉबी में जाते से बचे. मैं हूं संजय बैनर्जी, आप सभी का अभिवादन. मेरे साथ है ऋषंक देवाडीगा, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं ये उठता हुआ शोर नवीन एक्सप्रेस के इस्तकबाल के लिए है, उनके स्वागत के लिए है. वेलकम नवीन एक्सप्रेस. नवीन आए रेड पे फुटवर्क करके डिफेंस की पोजीशन हिला दी और साहिल पे वो किक करके अटैक किया नवीन ने. रेडर से तो शुरुआत हो चुकी है. लेफ्ट कॉर्नर ये फिनिश जिन्हें आज शामिल किया गया है स्टार्टिंग सेट में. जमकर के उन्होंने सोल किया, सपोर्ट आ गया, लेकिन इसी कोशिश में योगेश को भी सेल्फ आउट हो जाना पड़ा. अब आशु आए रेड के लिए, आशु मलिक. हालांकि पिछला सीजन कुछ खास प्रभावित कर नहीं पाए हमें, पर भरोसा जताया है दबंग दिल्ली की टीम ने आशु पर. क्या इस सीजन अच्छी शुरुआत कर पाएंगे अपने टीम के लिए, ये देखना होगा. बिल्कुल आशु एक सपोर्ट रेडर के तौर पर, लेकिन यहां फिर गलती हुई डिफेंस से.
दहशत करने के लिए गए थे हिमांशु। अजिंक्य पवार आए रेड पे, पेस से बीट किया विशाल भारद्वाज को, अपनी गति से बीट किया अजिंक्य पवार ने, एक प्रेशर क्रिएट किया विशाल, अपने आप को संभाल नहीं पाए, एंड लाइन से बाहर निकल गए और इस तरह उन्हें बाहर जाना पड़ा। मीतू आए हैं, मीतू शर्मा हरियाणा के लिए खेला करते थे पिछले सीजन में, यहां सात की कंप्लीट डिफेंस में है, बहुत ही अच्छे रेडर हैं, पिछले सीजन 150 रेट पॉइंट्स के आसपास ये पॉइंट्स लेकर के आए थे। रनिंग किक कामयाब, मीतू शर्मा ने बाहर किया किसको, रेडर से 1.7 जाना पड़ेगा। राइट कवर पोजिशन को टारगेट किया मीतू ने, देख सकते हो बहुत ही क्विक ये रनिंग किक था मीतू का, सागर देखते रह गए। उठा दिया, नरेंद्र कंडोला को आज चलने नहीं दे रहे, किस तरह से उनका शिकार करना रणनीति पूरी तरह से सेट करके आए दिल्ली। देखिए विशाल भारद्वाज को पता था कि रनिंग बोनस की कोशिश करेंगे नरेंद्र कंडोला और वहीं पे अटैक किया लोअर बॉडी पे, ये डबल थाई होल्ड करके नरेंद्र कंडोला को ये टैकल कंप्लीट किया विशाल ने। जहां पर उतरे हैं नवीन, बिना पॉइंट लिए वापस लौटना नामुमकिन, और बोनस ऑन नहीं है यानी टच पॉइंट लेना ही पड़ेगा। डू ऑर डाई में नवीन के बेहतरीन रिकॉर्ड्स हैं, 70%, और देखिए वो 70% असर दिखा रहा है, बेहतरीन गति। पॉइंट दबंगली नंबर 9 आउट। देखिए आप पूरी स्पीड से रेड करते हुए नवीन ने ये पॉइंट हासिल किया, डिफेंस को सेट होने नहीं दिया बिल्कुल भी, अपने पोजीशन से हिलाते रहे डिफेंस को। असफल टैकल्स थोड़े से बचाने होंगे तमिल तलाईवास को, क्योंकि ये उनकी परेशानी की वजह बन सकती है। 5 का डिफेंस है, मीतू रेड पर है, अगर डिफेंस गलती ना करे तो मीतू के लिए मुश्किल होगा पॉइंट लेना। डबल थाइस पर गए, बहुत ही शानदार तरीके से अच्छी सफलता मीतू बाहर। देखिए मीतू के लिए पॉइंट लेना बहुत जरूरी था क्योंकि 6 का डिफेंस है दिल्ली का। नरेंद्र कंडोला का जहां तक सवाल है, आज अभी तक कोई पॉइंट लाए नहीं है मंत्रा, और अपने डेब्यू सीजन में सबसे ज्यादा रेड पॉइंट्स नरेंद्र कंडोला के नाम है, पिछले सीजन में 243 रेड पॉइंट लेकर के आए थे। मशीन गर्म होने में थोड़ा सा वक्त लगता सर, मशीन तो अभी ठप पड़ गई क्योंकि उसी को आउट कर दिया है। नंबर 8 आउट। नवीन ने आके टारगेट किया सीधा सामने वाली टीम के नंबर 1 रेडर को। ये कहते हैं ना कि किसी दुश्मन को गिराना है तो सीधे पहले टांगों पर वार करो, थराशाही करो से नीचे। अजिंक्य पवार दीवाना बना दिया आज उन्होंने अपनी गति का, अपने रिफ्लेक्सेस का, जिस तरह से योगेश को लगातार परेशान कर रहे हैं, सामने अटेम्प्ट कर रहे हैं और योगेश अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं। ज्यादा प्रेशर में दिख रही है दिल्ली की डिफेंस। टाइम आउट, इस वक्त बोनस ऑन है तमाम दिल्ली के पास, रेडर्स की कमी नहीं। नीतू नवीन और इस वक्त बहुत बढ़िया शूटिंग किक, लाइन किक, नंबर 10 आउट, 1 पॉइंट तमाम दिल्ली। मोहित को बाहर भेजा। रनिंग किक किया ये आशु ने, मोहित को बाहर जाना पड़ेगा, बहुत ही बढ़िया किक, बिल्कुल अपना पूरा का पूरा कोर रिटेन किया है। मीतू बीच से निकलना चाहते थे लेकिन चेन सॉलिड थी और इस चेन को तोड़ना कतई आसान नहीं था। सागर बढ़ाई दे रहे थे अजिंक्य को, डिफेंस में भी अच्छा प्रदर्शन उनका, एक बार फिर 5 का डिफेंस, ओवर टाइम कर रहे हैं क्योंकि नरेंद्र नहीं चल रहा है और इस बार ब्लॉक, विशाल भारद्वाज बिल्कुल सामने पहुंचे, ब्लॉक कर दिया आशु। 5 का डिफेंस आशु के लिए, शफलिंग कर रहे हैं अपने फुटवर्क के साथ, दोनों कॉर्नर्स को सिर्फ हिलाने का प्रयास कर रहे हैं। हाथ लगाया था, डाइव किया और क्या जबरदस्त तरीके से, लेकिन क्या वो भी सेल्फ आउट हुए, देखना होगा साहिल गुलिया का अद्भुत प्रदर्शन आज।
सेल्फ आउट नहीं थे, बाहर निकलना पड़ा आशु को, बाहर जाना पड़ेगा। कुलदादा रेडर का कांटेक्ट हुआ पहले, उसके बाद शायद डिफेंडर बाहर चले गए, पर ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन टैकल, सागर ने एंकल पे जाके रेड को तोड़ा, उसके बाद वो टैकल कंप्लीट हुआ। पोटली खोलिए और पॉइंट्स गिनिए, क्योंकि दो पॉइंट मल्टी पॉइंट रेड यहां 90 एंड 9। पहला पॉइंट नरेंद्र कंडोला का, क्या उन्हें आत्मविश्वास देगा, नवीन का हुआ शिकार और इस बार काम कर दिया हिमांशु ने। एंकल होल्ड किया, नवीन को बाहर किया, नवीन पहली बार टैकल होकर के बाहर जा रहे हैं। बहुत ही सॉलिड एंकल होल्ड था ये हिमांशु का, पता था बोनस की कोशिश करेंगे नवीन। इस वक्त अजिंक्य पवार सुपर टैकल ऑन है यहाँ और बहुत ही मजेदार मोमेंट होने वाला है। अजिंक्य पवार लेकर गए हैं एक पॉइंट। जितनी तारीफ की जाए अजिंक्य पवार की, जिस तरह से उन्होंने अटेम्प्ट किया और जिस तरह से राइट कॉर्नर ने बचने की कोशिश की, काबिले तारीफ। वेट, मनजीत बुलाए गए हैं सब्स्टिट्यूट के तौर पर। पहली रेड है मनजीत की, फुल हाउस है, साथ का डिफेंस है। मनजीत कमाल कर सकते थे लेकिन नहीं कर पाए। इसके साथ ही जिंदगी में घर बनाने का मौका और पहचान बनाने का मौका सिर्फ एक बार मिलता है। लो पंगा, वेट। बिल्कुल मनजीत बहुत अंदर चले गए थे, एडवांस आए थे अभिषेक सिंह, हालांकि टीम का बहुत अच्छा सपोर्ट मिला, नहीं तो ये सुपर रेड हो सकती थी मनजीत की। तमिल थलाईवास ने बेहतरीन लीड यहां पर बना ली है। दिल्ली गेम में कमबैक करेगा, अभी तो पहला ही हाफ चल रहा है और नवीन एक्सप्रेस को हम जानते हैं किस तरीके से वो दूसरे हाफ में गलती डिफेंस की थी, पकड़ बढ़िया था नंबर नाइन। लेकिन पूरे डिफेंस का सपोर्ट टाइम से नहीं आया, अन्यथा नवीन नहीं निकलते। जी हां, एक नहीं दो नहीं तीन, दिल्ली ने बनाई तमिल थलाईवास की बीन, सुपर रेड। आज की शाम की पहली सुपर रेड, वो भी नवीन के हाथों। भाई मजा आ गया, नवीन ने वेट किया और डिफेंडर को आने का मौका दिया, उसके बाद वो तीन पॉइंट लेके लौटे। सुपर टैकल यहां हो सकता है, तीन का डिफेंस है और ये इस बार सुपर टैकल हो गया। ये है रॉफ सुपर टैकल, मगर की चक्कर से बच नहीं सके नवीन एक्सप्रेस। अजिंक्य पवार ने सुपर टैकल किया, पता था नवीन आगे आएंगे अटैक करने के लिए, लोअर बॉडी पे डबल थाई होल्ड करके ये टैकल कंप्लीट किया अजिंक्य पवार ने। बेहतरीन फॉर्म में अजिंक्य पवार, लेकिन यहां दूसरी तरफ देखिए 30 सेकंड का डबल गली, इतनी जल्दी से निकल जाता है। आप पिछली रेड देख रहे थे, इतने में बात आगे बढ़ गई और नरेंद्र आउट भी हो गए। नवीन एक्सप्रेस की टीम दबंग दिल्ली समय पिछड़ रही है और विडंबना देखिए, नरेंद्र कंडोला तीन बार आउट होने के बाद उनकी टीम लीड पर है। पूरी की पूरी टीम एक यूनिट की तरह खेल रही है और यही वजह है कि तमिल थलाईवास ने पहले हाफ में एक शानदार लीड हासिल कर ली है। नरेंद्र कंडोला 9 मिनट 28 सेकंड से कोर्ट के बाहर है और ये अजिंक्य पवार ने बहुत ही अच्छा बैक किक लगाया, सुनील को आउट किया। बिल्कुल निशांक, लेकिन नरेंद्र कंडोला आज जिस तरह से खेल रहे हैं बहुत उम्मीदें जगती नहीं, और ये बैक किक देखिए, जिस तरह से जसबीर सिंह बैक किक लगाया करते थे वही नजारा यहां आशु पांड्या। या बिल्कुल, दोनों तरफ रेडर्स अपना काम कर रहे हैं, इतनी जल्दी रेड शुरू होकर खत्म हो गई। निशांक स्पीड दिखाया आशु ने, पता था आमिर हुसैन बस्तामी और सागर दोनों राइट कॉर्नर के डिफेंडर्स हैं, उन पे टारगेट किया और बैलेंस खोया आमिर हुसैन बस्तामी में, एक पॉइंट लेके लौटे आशु। और इस वक्त फुल हाउस है दबंग दिल्ली का, लेकिन अजिंक्य पवार चाहेंगे कि अपना टॉप फॉर्म कंटिन्यू रखे, आज एकदम हीरे की तरह चमक रहे हैं अजिंक्य। बोनस का प्रयास था इनका, देखना होगा कंफर्म हुआ या नहीं। बिल्कुल बोनस मिल गया यहां।
जिनके पवार को, और यहां सुपर टैकल की सिचुएशन एक बार फिर। नवीन गए हैं सुपर टैकल में, तीन का डिफेंस, नितेश डाइव करने के लिए तैयार नहीं, नवीन उनको अपना निशाना बना रहे हैं। सुपर टैकल जब तीन या तीन से कम डिफेंडर होते हैं और रेडर का शिकार हो जाए तो एक नहीं दो पॉइंट मिलते हैं। सुपर टैकल, मुझे लगता है डाला सेव देंगे रेडर को, क्योंकि सागर जब अटेंड किया टैकल के लिए उस समय लॉबी के बाहर थे वो। मजबूर किया बाहर होने के लिए। देखिए पहले तो एक खिलाड़ी बाहर गया और दूसरी तरफ हो, क्या मूवमेंट यहां। अजिंक्य के पवार क्या अपनी टीम को रिवाइव करा पाएंगे, क्या कोई टच पॉइंट लेकर आएंगे। बोनस तो आपको उपहार में मिल जाएगा लेकिन उसकी कोई अहमियत नहीं होगी। सुपर रेड लगा दी है यहां जिनके पवार ने। सब्स्टिट्यूशन तमिल दलाईवास, रिस्टार्ट टर्न नंबर 9 आउट 17। ऐसे सिचुएशन में अजिंक्य के पवार को स्कोर करते हुए हमने देखा है दादा, बहुत बार प्रेशर लेते नहीं है बिल्कुल भी, एस्केप किया थाई होल्ड से। आशु आशु वो कर गए जो नवीन नहीं कर पा रहे थे, साहिल गुलिया को बाहर किया। असाधारण रेड्स कर रहे हैं जिनके पवार, अकेले बचे थे मैच के ऊपर, ऑल आउट की दहलीज पे खड़ी थी टीम। देखिए किस तरह से रिवाइव किया तमिल थलाईवास, अब चार प्लेयर हो गए हैं, दबंग दिल्ली चार बचे हैं। बिल्कुल बहुत ही अच्छी डुबकी है अजिंक्य पवार की, प्रेशर में ऐसे रेड करना दर्शाता है। और आशु ने नरेंद्र को फिर से आउट किया दादा, जर्सी नंबर 8 आउट। और यहां पर डू ऑर डाई रेड है अजिंक्य पवार, डू ऑर डाई रेड में बिना पॉइंट के वापस नहीं आ सकते। और असाधारण प्रदर्शन, याद रखने वाला प्रदर्शन अजिंक्य का। बिल्कुल बहुत डीप चले गए थे दादा, मौका बिल्कुल भी दिया नहीं। व्हाट अ रेड यहां दिल्ली के लिए। नवीन एक्सप्रेस चलाइए, स्टेशन पर मत रुकिए, बस ले जाइए। और रुक गई गाड़ी डीरेल, यह है कबड्डी का खेल। लगातार नितेश के सामने नवीन टेम्प्ट करते रहे और नितेश ने इस बार काम कर दिया। बिल्कुल डाइव पे गए नितेश, बिल्कुल मौका नहीं दिया नवीन को एस्केप करने का। कबड्डी के खेल की यही खासियत है। अजिंक्य पवार अब रेड कर रहे हैं, कुछ समय पहले थलाईवास ऑल आउट की दहलीज पर थे, सिर्फ अजिंक्य पवार बाकी थे। किस तरह से रिवाइव किया, दबंग दिल्ली को ढकेल दिया ऑल आउट के नजदीक, किया ऑल आउट। लेट इट से 1 पॉइंट तमिल थलाईवास, 16 पॉइंट यहां पर अब तक अजिंक्य पवार के हो गए हैं। आशु इस वक्त आए हैं एक अकेले, क्या खूब कहानी है प्रो कबड्डी की। ये देखिए दबंग दिल्ली ऑल आउट हो गए हैं। जिंदगी में घर बनाने का मौका और पहचान बनाने का मौका सिर्फ एक बार मिलता है, ऑल आउट के बाद तो आप ऑल इन हो जाएंगे। लेकिन क्या कहानी बदली, इस तरह की कहानी प्रो कबड्डी में ही संभव है। एक टीम जो ऑल आउट के बिल्कुल नजदीक थी, एक लौटा खिलाड़ी था, उसने दूसरी टीम को बाहर कर दिया। नरेंद्र कंडोला चल नहीं पा रहे, उनके पास मौका है, 7 का डिफेंस है, पॉइंट्स लाने होंगे, लेकिन नरेंद्र चूंकि फॉर्म में है आज जोखिम नहीं लेना चाह रहे हैं। इस बार बैक थ्रस्ट का इस्तेमाल किया, बाहर किया हिम्मत अंटिल को,
नवीन कुमार आप रिकॉर्ड साफ देख सकते हैं कि कौन से खेमे में कौन से सेक्शन में वो कितना ज्यादा परफॉर्म करते हैं, कितना बेहतरीन परफॉर्म करते हैं। खिड़की खोली है पर छप्पर फाड़ के पॉइंट्स कमा रहे हैं। नवीन कुमार, नवीन एक्सप्रेस चल पड़ी और दो पोजीशन खड़ा कर ले गई। नंबर 7 अभिषेक जैसे डिफेंडर को इस बात से बचने की जरूरत है, पिछले सीजन में भी उन्होंने इस तरह की गलतियां की थी। अच्छी खासी लीड है तमिल थलाइवास के पास, पहला ही मैच वो एक अपसेट करने वाले हैं। हिम्मत अंटिल को उन्होंने धंधा बताया और एक बेहतरीन पॉइंट और लेकर आ गए। मंजीत शायद कुछ कर दिखाए और बिल्कुल सही कहा, और पीठ दिखाई। कबड्डी के खेल में पीठ दिखाएंगे खंजर खाएंगे। अजिंक्य कुमार का ये तीसरा टैकल पॉइंट है, 15 पॉइंट रेड में, 3 पॉइंट डिफेंस में, और किसी एक खिलाड़ी से आप कितनी उम्मीद कर सकते हैं। अब इस मुकाबले में सिर्फ औपचारिकता बाकी, आशु दबाव बना रहे हैं, काफी एडवांस खड़े थे यहां पर और उसका नुकसान झेलना पड़ा है सागर को। डू अडाई में है नरेंद्र, डू अडाई में है, लगातार कोशिश कर रहे हैं वक्तिया। नरेंद्र ने बढ़िया बैकहोल्ड यहां योगेश का, योगेश का पहला पॉइंट राइट कॉर्नर डिफेंस में दिल्ली के लिए पहला पॉइंट लेकर के आया है। सुपर टैकल ऑन और आशु आए हैं सुपर टैकल में। बुल्स के साथ खेलना है 8 दिसंबर को, स्टीलर्स से खेलना है 10 को और टाइटंस के साथ खेलना है 16 दिसंबर को, और यहां आखिर तक कामयाबी मिली आशु को। नंबर 2 औपचारिकता है, क्या दिल्ली इस मुकाबले को 7 पॉइंट से कम के फासले पर खत्म कर सकेगा, देखना अब सिर्फ वही दिलचस्प बाकी है। कि ये रेड बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, बिल्कुल, और इसलिए देखो बोनस लाइन भी खुली नहीं छोड़ी है, बोनस भी देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन यहाँ अजिंक्य ने अपनी बादशाहत फिर साबित कर दी। एक और रिवाइवल, ऑल आउट से फिर बचाया। एक नहीं दो नहीं, न जाने कितनी बार अजिंक्य पवार ने अपनी टीम को ऑल आउट होने से बचाया है। इस वक्त ये 10 पॉइंट का डिफरेंस जो है, अगर इस रेड में अजिंक्य पवार आउट हो गए तो 3 पॉइंट मिलेंगे और 8 पॉइंट का अंतर रहेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता अजिंक्य पवार होने वाले हैं, आउट होने वाले। आज अजिंक्य को कोई आउट ना कर रहा, आज केवल अजिंक्य को एक ही आदमी आउट कर सकता है, खुद अजिंक्य पवार। इमली का बूटा, पेरी का पेड़, इस मैट पर आज एक ही शेर, द वन एंड ओनली अजिंक्य पवार। पहला मुकाबला तमिल थलाइवास के नाम, दबंग दिल्ली को 11 पॉइंट के फासले से पराजित किया। अजिंक्य पवार ने 18 रेड पॉइंट हासिल किए।